नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी की जिंदगी को भी खतरा लाहक है। साबिक सदर के तर्जमान आमिर फिदा प्राचा ने कहा कि साबिक सदर के दिल के पास खून जमा हो गया है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी को सख्त खतरा लाहक है। तर्जुमान आसिफ जरदारी ने कहा है कि डॉक्टर्स की जानब से पीपी शरीक चेयरमैन की एंजियोग्राफी का मशवरा दिया है, उनके दिल के पास खून जमा हो गया है। आमिर फिदा पराचा के मुताबिक साबिक सदर को माहिर डॉक्टर्स मुहैया किए जाएं, उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। आसिफ जरदारी के लिए प्राइवेट मेडिकल बोर्ड न बनाया जाना एक मुजरिमाना फेल है। उधर पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आसिफ जरदारी के प्लेटलेट्स में अगरचे बेहतरी आई थी, तहम उनके हाथों में रेशे के बायस कपकपाहट में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से आसिफ जरदारी के लिए एक प्राइवेट मेडिकल बोर्ड की तशकील का मुतालबा तसलसल के साथ किया जा रहा है, लेकिन हुकूमती सतह पर इस सिलसिले में ताहाल कोई इकदाम नहीं किया गया। आसिफ जरदारी जाली अकाउंट्स केस में जेर हिरासत हैं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और बदनवानी के केसेस की समाअत एहतसाब अदालत में जारी है, उन्हें नैब की दरख्वास्त पर जेल में कैद रखा गया है।